दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज यूपी में पांचवें चरण का मतदान जारी है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के मतदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तमाम तरह की हरकतें की थी, लेकिन इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं के बूथ के बाहर लोगों ने कुटाई कर दी। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आपको दोस्तों बताते चलें, यह पूरा मामला कौसाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट का है, जहां पर एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता वोट डालने पहुंचा था और वहां पर उसकी झड़प वहां पर मौजूद चुनाव अधिकारियों से हो गई, जिसके बाद उसने ईवीएम के तार खींचने की कोशिश की। आरोप है कि वह मतदान करने आए लोगों पर बीजेपी के पक्ष में वोट करने का दबाव बना रहा था और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और बीजेपी कार्यकर्ता की बूथ के अंदर ही जमकर कुटाई कर दी गई। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है सामने, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की कहीं कहीं कुटाई भी हो रही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।